हेलो दोस्तों, आज ये वीडियो में जानने वाले हैं एयर कूल चिलर के बारे में। बेसिक पार्ट्स आइडेंटिटी करेंगे इसमें। जैसा कि आप देख सकते रहेंगे, एयर कूल का चिलर है, इसका फंक्शन क्या है, कैसे वर्क करता है, इसमें क्या क्या पार्ट्स लगे रहते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट है, पूरा इसका बेसिक पार्ट्स आइडेंटिटी करने वाले हैं। और इसका कंप्रेसर, सेफ्टी डिवाइसेस, इवेपरेटर, इलेक्ट्रिकल HPLP स्विच जो रहता है, थर्मोस्टेट क्या रहता है, पूरा एक एक जो भी बेसिक पार्ट्स वगैरह इसको आइडेंटी करने वाले हैं, जानने वाले हैं इसके बारे में। अगर आपको इसके बारे में मालूम है तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, नहीं मालूम है तो पूरा वीडियो देखे आपको जरूर जाने सीखने को मिलेगा। ये वीडियो हमें राजन गुप्ता ने भेजा है आप लोग के हेल्प के लिए। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझाया है, बताया है, सिखाया इसके बारे में किस तरह से वर्क करता है, क्या क्या सिस्टम रहता है। अगर आपको मालूम है तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, नहीं मालूम है तो पूरा वीडियो देखे आपको जरूर जाने सीखने को मिलेगा। सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और साथ में इस बेल घंटी को भी दबा दें, जिससे और इसी तरह से हम वीडियो बनाएं आप लोग पास भेज सके, आप लोग भी सीख सके, देख सके, आप लोग भी नए टेक्नीशियन लोग का हेल्प जरूर करें। इसके लिए आज मैं आपको चिलर के बारे में सारा डिटेल में बताऊंगा, किसका क्या काम होता है और क्या नाम है। आप अभी ये जो देख रहे हो, ये कंप्रेसर है। ये सर्विस वाल है, ये डिस्चार्ज लाइन है, ये जो आप देख रहे हो वाइल रिसीवर है। वाइल रिसीवर में आप देख सकते हो सर्विस वाल यहाँ से गया हुआ है, सर्विस वाल से ऐसे आया हुआ है और इस पर HP स्विच लगा हुआ है और ऐसे जाके उसको आप देख सकते हो कंडेंसर में गया हुआ है। ये कंडेंसर में गया हुआ है, कंडेंसर में जाके अभी देख सकते हो कंप्रेसर में देख सकते हो सोलनाइट वाल है, सोलनाइट वाल लगा हुआ है, ड्रायर लगा हुआ है, NRV वाल लगा हुआ है। NRV वाल ये सीधे कूलिंग कॉइल में गया हुआ है। ये पाइप लिक्विड को मेंटेन करने के लिए लगाया जाता है, लिक्विड को मेंटेन करता है। ये आप जो देख रहे हो ये वाइल प्रेशर है, ये वाइल प्रेशर को बताता है कि कितना है कितना नहीं। ये सिस्टम में अपडेट करता है कि वाइल प्रेशर कितना है कितना नहीं है। ये वाइल प्रेशर के लिए लगाया हुआ है। आप अभी देख सकते हो मैं ये अभी लिक्विड लाइन इधर से कंडेंसिंग होके लिक्विड लाइन इधर से आया हुआ है, देख सकते हो लिक्विड लाइन इधर से होते हुए ऐसे आया हुआ है। ये सर्विस वाल है, ये आप जो देख रहे हो ड्रायर है, ड्रायर का काम करता है, इसमें ऐसा ही ड्रायर लगता है। ये जो अभी आप लोग देख रहे हो इसको फट रनिंग स्विच बोलते हैं। जैसे हम लोग मशीन में स्पेंसर वाल काम करता है, वैसे ये फट रनिंग स्विच काम करता है। आप देख सकते हो फट रनिंग स्विच है। ये जो आप देख रहे हो एक कूलिंग कॉइल है, इसमें ये जो लगा हुआ है इसको सर्विस वाल बोलते हैं। यहाँ से गैस डाल सकते हैं, चेक कर सकते हैं, सेक्शन लाइन बोलते हैं इसको। इसको बटरफ्लाई वाल कहते हैं, इसको बटरफ्लाई वाल कहते हैं। जो आप देख पा रहे हो ये बटरफ्लाई वाल है। इसको अगर पंप डाउन करना रहता है तो इसको बंद कर देंगे तो सेक्शन लाइन बंद हो जाता है, गैस सेक्शन लाइन बंद हो जाएगा गैस का। ये आप जो देख रहे हो ये लिक्विड प्रेशर स्विच है जो कूलिंग कॉइल में लगा हुआ है, इसको लिक्विड प्रेशर स्विच बोलते हैं। ये मेरे हिसाब से एक वीडियो में नहीं हो पाएगा, अमरजीत भाई ये 2-3 पार्ट बना के आप लोग को भेजेंगे। और ये आप लोग देखिए और इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, तो मैं उनको और अच्छा से अच्छा वीडियो चिलर के बारे में, एचयू के बारे में बना के भेजूँगा कि आप लोग के पास पहुँचा सके। देख सकते हैं आप इसमें कितना कंप्रेसर लगा हुआ है,
इसमें तीन कंप्रेसर है, एक और दो कंप्रेसर वो उस बाजू है, मैं उसको दिखाऊंगा। एक कंडेंसर कॉइल है, इसके ऊपर फैन लगे हुए हैं, 18 फैन लगे हुए हैं। ये जो आप देख पा रहे हो एलपी स्विच है, एलपी स्विच है जो प्रेशर से बताएगा। इसको आप देख लो, बटरफ्लाई वाल है जो सेक्शन लाइन में लगा हुआ है। ये फास्ट टर्निंग स्विच आप देख ही सकते हो जो इस फंक्शन वाल का काम करता है। ये देख सकते हो आप कूलिंग कॉइल है, फास्ट टर्निंग स्विच हर किसी में लगा हुआ है, एलपी स्विच, फास्ट टर्निंग स्विच, बटरफ्लाई वाल, आप देख सकते हो बटरफ्लाई वाल सब कुछ है, बटरफ्लाई वाल है, कंप्रेसर है। ये 275 टन का मेरा चिल्लर है, इसको सर्विस वाल बोलते हैं। यहाँ से डिस्चार्ज लाइन हम लोग चेक कर सकते हैं गैस कितना है कितना नहीं है। ये देख सकते हैं लिक्विड रिसीवर है, सॉरी वाइड रिसीवर है, और ये दोनों कंप्रेसर का एक ही में दिया हुआ है वाइड रिसीवर। ये वाइल मेंटेन करने के लिए रहता है कंप्रेसर में, आप देख सकते हो वाइल रिसीवर से, ये वाइल रिसीवर को मेंटेन करने के लिए रहता है। ये थर्मल स्टोर दिया है जो हमारे सिस्टम में बताता है कि कितना प्रेशर है, कितना नहीं है, कितना लिक्विड है, क्या है, सब कुछ बताता है। ये जो आप एक देख पा रहे हो ये थर्मल स्टेट है, ये हमारे वाटर का प्रेशर बताता है। ये जो आप देख रहे हो ये फ्लश होती है, ये हमारे वाटर भेजने का काम करता है कि वाटर कितना चिल्लर में चाहिए कितना नहीं चाहिए, उसके लिए होता है। मैं राजन गुप्ता यूपी से, गोरखपुर सॉरी देवरिया जिले से। आप लोग अमरजीत भाई का चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जितना आप लोग लाइक और कमेंट करेंगे उतना ही मैं वीडियो बना के अच्छा अच्छा चिलर के बारे में भेजूंगा। ये देख सकते हो दो वाल लगा हुआ है, इसको हम लोग गेट वाल बोलते हैं, इसको हम लोग बटरफ्लाई वाल बोलते हैं। ये इनलेट है, वो आउटलेट है, ये इनलेट है, ये आउटलेट है, इसमें चिल्ड पानी जाता है और इसमें गर्म पानी आता है एचयू से। ये मेरा थर्मोस्टेट लगा हुआ है, आप देख सकते हो थर्मोस्टेट है, लेकिन अभी मेरा चिलर बंद है इसके लिए नहीं बता पाएगा कि कितना चिल्ड पानी आ रहा है कितना जा रहा है। यहाँ से वाल भी बंद है, ये आप देख रहे हो प्रेशर गेज है, आउटलेट का प्रेशर गेज है, इनलेट का प्रेशर गेज है। ये आप देख रहे हो एचयू की तरफ गया हुआ है मेरा आउटलेट इनलेट। ये देख सकते हो ओवर लोड मेंटेन करने के लिए है। अभी मैं आउटलेट इनलेट का प्रेशर, ये थर्मोस्टेट बताता है, आप देख सकते हो ये थर्मोस्टेट है, ये आउटलेट इनलेट दोनों बताएगा कि कितना प्रेशर इसमें टेम्परेचर जा रहा है कितना आ रहा है, ये आप देख सकते हो। ये आप देख रहे हो रिटर्न है, इसमें रिटर्न आता है, उसमें सप्लाई जाता है। मेरा कुछ हेचू उधर लगा हुआ है तो यहाँ से वो उधर चला गया दूसरी तरफ, और कुछ हेचू यहाँ पर लगा हुआ है वहाँ पे चला गया। इसमें प्राइमरी पंप सेकेंडरी पंप लगे हुए होते हैं, लेकिन मेरे में भी बस प्राइमरी पंप लगे हुए हैं जो हीट पानी को एचयू से चिल्लर की तरफ पहुँचाता है।
इसमें जो है वो उसमें प्राइमरी पंप लगे हुए हैं। मैं प्राइमरी पंप दिखाऊंगा आप लोगों को अगले वीडियो में, और प्राइमरी पंप का काम बताऊंगा आप लोगों को। और दोस्तों मैं रीडिंग लेना बताऊंगा कि आउटलेट इनलेट और सब इसके बारे में बताऊंगा। तो ये वीडियो को यहीं पर स्टॉप किया जा रहा है, क्योंकि ये वीडियो और भी पार्ट्स के बारे में बताया जाएगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। बाकी सब वीडियो जो है ये सब के बारे में नेक्स्ट पार्ट में हम बताने वाले हैं, अगले पार्ट में बताएंगे। आप जानना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें, जो बेल आता है ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दें, जिससे हमें ये सब के बारे में मेंटेनेंस के बारे में रिपेयर ट्रबल शूट के बारे में कुछ वीडियो वगैरह बनाए तो आपके पास भेज सके, आप भी सीख सके, देख सके। और भी इस तरह से हमारे थ्रू क्लिप प्रैक्टिकली बहुत से आपको वीडियो मिल जाएंगे, तो आप जानना चाहते हैं सीखना चाहते हैं तो हमें विजिट कर सकते हैं, देख सकते रहेंगे। आप भी नए लोग का हेल्प जरूर करें, जो लोग नए टेक्नीशियन हैं एक चिलर के बारे में जानना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, जो लोग कोर्सेज करें उनके पास से वीडियो शेयर करें। आप भी नए लोग का हेल्प जरूर करें। आज आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।